यूपीएससी था, मैं इंटरव्यू को देके आया। अच्छा, यूपीएससी का इंटरव्यू देके आया। हाँ। क्या बात है, बहुत अच्छी मैं भी था। अच्छा, इस बार पीएससी दे रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू के बाद 2 महीने टाइम मिला है तो प्री नहीं निकाला जा सकता, इसलिए यूपीएससी का इंटरव्यू दिया आपने। हाँ। नमस्कार, सत्यदीप शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम राम बाबू पटेल है। राम बाबू जी, कैसा रहा राम बाबू पेपर आज का? अच्छा रहा, मेरे 128 नंबर आए। 128 मार्क्स आ रहे हैं जी। ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत परेशानी रही? चूँकि हम MPPSC की तैयारी करते रहे ग्रेजुएशन के बाद से, तो मेरे को मैथ रीजनिंग में दिक्कत आई तो वहीं से नंबर कम हुए। बाकी अच्छा। कंप्यूटर भी थोड़ा हाई लेवल का आ रहा है और मैनेजमेंट भी हाई लेवल का आ रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स में कुछ बदलाव देखने को मिले क्या? मैथमेटिक्स में वैसे ही, मतलब जैसे पहले बोल रहे थे, थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं तो उसी तरह से बढ़ा हुआ लेवल आ रहा है अभी भी। अच्छा। हाँ। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हाँ, OBC कैटेगरी। OBC में 128 मार्क्स हैं जी। ठीक है, कंप्यूटर में किस तरह का हाई लेवल लगा आपको? कंप्यूटर में ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे जो भी व्यक्ति कंप्यूटर को ऑपरेट करते रहते हैं तो उनको उन चीज़ों के बारे में, यानी वो जर्नल नहीं पूछा? नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, जर्नल बुक्स से, मतलब वो नहीं। अच्छा, कर रहा है भी कुछ। ठीक, इजी कौन सा पोर्शन रहा आज? इजी हिंदी इजी था और इंग्लिश, क्योंकि मैं अच्छा इंग्लिश। हिंदी में छंद अलंकार आ रहे हैं? छंद अलंकार आए हैं, मुहावरे आए हैं और हिंदी बन गया था। हाँ, हिंदी बन गया था। इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश भी बन गया है, मेरा इंग्लिश लिटरेचर से BA है तो मैं इंग्लिश भी अच्छा था। कोई दिक्कत नहीं रही? मैनेजमेंट के क्वेश्चन 25 से कम आए आज भी? मैनेजमेंट के क्वेश्चन अबाउट 20 के अंडर थे। हाँ, और बनने लायक के बने आपसे? इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट मिक्स था। इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ रहा है? इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी साथ में पढ़ते चले मैनेजमेंट के साथ, इकोनॉमिक्स का वेटेज है? इकोनॉमिक्स आ रहा है, GK के तौर पर आ रहा है, कुछ मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, GK की क्या स्थिति रही? GK भी ठीक आ रहा है हर तरफ। MPPSC की तैयारी कर रहे हैं आप तो GK बना आपसे? हाँ जी, GK बन गया, कुछ क्वेश्चन नहीं बने, बाकी के GK के बन गए। पॉलिटी ज्योग्राफी MPGK इसमें ज़्यादा क्या? जैसे कि और हाई लेवल से, जैसे मैं मतलब PSC और UPSC में वो आते कि कमीशन, जैसे अभी आयोग वुमन कमीशन के बारे में दे दिया, फिर 2 ऑप्शन थे, फिर उसमें से कंक्लूजन में दे दिया कि क्या इनमें से कौन कौन सा सही होगा इस तरह से। हाँ, चलिए, जो भी आपको याद था आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बता दीजिए। विष्णु तिवारी। विष्णु तिवारी, जनरल कैटेगरी। हाँ। आपका नाम? आशुतोष तिवारी। आशुतोष, जनरली जनरल कैटेगरी। कितने नंबर हैं आशुतोष आप? 144। 144, 144 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और आपके मार्क्स? 136। 136, 136 मार्क्स आ रहे हैं, दोनों ही लोगों के अच्छे मार्क्स हैं। हाँ, तो आप बता दीजिए कि कौन सा सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा आसान लगा? हिंदी अच्छी थी, इंग्लिश भी ठीक ही थी, ठीक ना? अच्छा। आसान हिंदी थी, दोनों लैंग्वेज बनने लायक थी। हाँ, बनने लायक थी। हिंदी इंग्लिश के जैसे क्वेश्चन डेली आ रहे हैं उसी तरह के, कि कुछ बदलाव देखने को मिला आपको? कोई बदलाव नहीं, हिंदी तो और सरल कर दिया था। ठीक है, ठीक ना? जैसे तिनके का सहारा, मुहावरा बना पूछा था, इजी मुहावरे पूछे थे। मुहावरे, ठीक है। और रस छंद अलंकार में से छंद अलंकार पूछे आपसे? हाँ, आज भी पूछे, डेली पूछ रहे हैं, डेली पूछ रहे हैं। एक छंद पूछा था कि कौन से, जिसमें 16-16 चार पदों का होता है, 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में दो गुरु, अंत में दो गुरु होते हैं। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद दोनों ही पूछ रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक ही, वही पूछा था। उसके अलावा एक अपना भयानक रस का उदाहरण देके क्वेश्चन पूछा था, और उसके अलावा और खास कुछ खास वो नहीं आए कि हिंदी में बहुत हार्ड लगे आपको, सिंपल है हिंदी। पर कंप्यूटर कैसा लगा आपको? कंप्यूटर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पिछले कुछ टाइम में तो उतना हार्ड नहीं है। आपको बेसिक शॉर्टकट कीज पूछी गई हैं आपको, और कंप्यूटर इस बार मुझे ऐसा ज़्यादा दिखे नहीं क्वेश्चन, मतलब कंप्यूटर काफ़ी कम आया था, या फिर आपको इजी लगे तो जल्दी निकल गया, वो बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पर इतने सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के, क्वेश्चन कंप्यूटर के 5-6 ही आए हैं, मैं आज कम क्वेश्चन आए कंप्यूटर के, बाकी आज मैथ का लेवल थोड़ा अधिक, मैथ्स रीजनिंग का वेटेज बढ़ा है और डेली बढ़ रहा है। रीजनिंग कम था, मैथमेटिक्स मैथ कम से कम 70 क्वेश्चन थे, मैथ्स कैलकुलेटिव ही था, कैलकुलेटिव ही रहा है उसमें, अभी तक वही अपना ट्रेंड जो चल रहा है वही फॉलो कर रहा है वो, ठीक है, और खास अंतर नहीं किया उसने। बस अभी मुझे लग रहा है जो पहले जो शुरू के आ रहे थे वो अब ज़्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन अब धीरे धीरे लेस कैलकुलेटिव हो रहे हैं। अच्छा। अगर आपका कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन ये सब आता है आपको अच्छे से तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। बोल सकते हैं कि मैथ्स पहले से आसान हो रहा है, बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत आसान हुआ है। अगर पहले 20 आ रहा था तो अभी 19 हो गया, इतना ही हुआ है बस, और कुछ नहीं। आज का पेपर बहुत ज़्यादा टफ लगा क्या आपको? मॉडरेट टू हार्ड के बीच में बोलूंगा मैं। अच्छा,
मैनेजमेंट के कई क्वेश्चन थे जो उतने नहीं जम रहे थे क्योंकि वो अप्लाई आ जा रहा था, तो आपको वो उसको कैच करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको नहीं कर सकते। आपने कितने समय की तैयारी की थी? मैं बोल सकता हूँ, मैं दिसंबर से और जनवरी से स्टार्ट किया, दिसंबर जनवरी से। इससे पहले कौन से एग्ज़ाम? मेरा मेन फोकस MPPSC का रहता था और उसके अलावा UPSC, अगर हो, UPSC मेन नहीं है मेरा, मेन MPPSC था। आपका टारगेट कौन सा? UPSC था, मैं इंटरव्यू को दे के आया। अच्छा, UPSC का इंटरव्यू दे के आए, हाँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं था, अच्छा, इस बार PSC दे रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू के बाद 2 महीने टाइम मिला है तो प्री नहीं निकाला जा सकता, इसलिए किसी का इंटरव्यू दिया आपने। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बेस्ट ऑफ लक इंटरव्यू के बाद रिजल्ट के लिए। थैंक यू। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो एक IAS मिलेगा हमको मध्य प्रदेश से। आप मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? हाँ, रीवा के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सेंटर कहाँ डाला था आपने? इंदौर ही डाला। इंदौर में रहते होंगे आप? हाँ। चलिए ठीक है, तो जो सेंटर डाला था वो मिल गया। हाँ ठीक, कुछ लोगों को भोपाल मिल रहा है और इंदौर कम ही लोगों को मिल रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन याद है? मैथ्स में सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन एक आया था, थोड़ा बड़ा था वो, अगर आप उसको कैलकुलेशन करने जाओ तो आपको टाइम बहुत लगेगा। अच्छा, वो GK किस टाइप का आ रहा है? GK आप बोल सकते हैं, स्टैटिक नहीं आया मुझे आज, मुझे नहीं दिखे स्टैटिक के, आपको ज़्यादातर थोड़े से करंट से जुड़े हुए और वैसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, MPGK का वेटेज? MPGK उतना नहीं था, मतलब MPGK नहीं मिला उतना, नहीं मिला। मेरे को UPSC से हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो कुछ कुछ मिले होंगे। एक UPSC से लिटरेरी क्वेश्चन था कि UPSC के चेयरमैन का सिलेक्शन कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है और उसको कौन चुनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। जो कि जो अब तक हुआ भी नहीं है शुरू, इस तरह के देखे थे, इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं, थोड़ा हार्ड हुआ इसमें। आपने सीधे सीधे पूरे क्वेश्चन मैथ्स के किया या आप छोड़ छोड़ के चले? नहीं नहीं, मैं सीधे सीधे किया था, सीधे किया। मैं लग रहा था मुझे टाइम कम पड़ेगा तो मैं ठीक था, इसलिए आप सीधे सीधे चले। जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है उनको टफ वाले क्वेश्चन छोड़ के चलना चाहिए। हाँ, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप पहले जो बाकी क्वेश्चन है उसको, नहीं तो बाकी नहीं कर पाओगे। ठीक, मेरे को खुद इजी वाले ना छूट बचे रहते आखिर। नहीं, मेरे हिसाब से मैथ रीजनिंग बाद में आप कर सकते हो, पहले आप निपटा लो, सारे निपटा लो, कम समय में निपटा, कम समय में निपटा। आप हिंदी बहुत जल्दी निपटा लोगे, आप हिंदी में मुश्किल से मुश्किल आपको 15 मिनट लगने वाले हैं, आप आराम से निपटा लोगे हिंदी में। इंग्लिश में आपको 20-22 मिनट लगेंगे और फिर आप बाकी चीज़ों को भी वैसे ही मैनेज करके निकाल सकते हो। इंग्लिश में एक पैटर्न मैंने थोड़ा नया देखा, या फिर ऐसा भी हो सकता है मैंने पहले ध्यान नहीं दिया हो, वो 6-7 स्टेटमेंट देते हैं आपको और बोलते हैं कि इसमें से आप जमा कौन सा सबसे पहले बैठेगा, फिर क्या बैठेगा, सब पूरा वो मेरा पैराग्राफ टाइप का बना दे रहे हैं। ठीक है, ये पहले आपको रिव्यू में नहीं सुना? मैंने नहीं देखा था, ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने इंग्लिश का रिव्यू उतना ध्यान दिया नहीं था, मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक लगती है मुझे तौर पे। और दूसरी बात ऐसा था, मुझे वो लग रहा था कि उसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन था जो पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम करता था क्योंकि उसमें माइनस, उसको आपने उस समय किया या छोड़ दिया था? नहीं, मैंने बाद में ही किया। अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ हिंदी वाला शब्द गायब था। अच्छा, और इंग्लिश में भी ये प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम, इंग्लिश में अलग है हिंदी में दोनों सेम दे दिए, अगर इंग्लिश में दोनों सेम दे दिए हिंदी में अलग है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला जरूर देखना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों एक बार देख लो, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा तो दोनों देख लो, वरना आपको नुकसान हो सकता है। चलिए, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो आज के पेपर में साथियों आपने देखा कि जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं वो कम रहे, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा रहा, इसके अलावा हिंदी जो है वो इजी रहा, मैथ्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन मैथ्स रोज़ के मुकाबले स्टूडेंट का कहना है कि आज थोड़ा ज़्यादा आसान था। तो आप लोग सब जो हैं इसी तरह से स्ट्रेटजी अपनी बनाते रहें और आगे के पेपर के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगले रिव्यू में फिर मिलेंगे, नमस्कार।